कमर्शियल फार्मर। कमर्शियल फार्मर्स आर फार्मर दैट प्रोड्यूस क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल एंड सेल इट इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। दिस क्रॉप आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी यूजिंग अ मॉडर्न मशीनरी एंड अ फर्टिलाइजर। क्रॉप लाइक अ कॉटन एंड ग्राउंड नट्स आर ब्रॉट बाय फैक्ट्री टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक अ टेक्सटाइल एंड ऑयल्स। जो कमर्शियल फार्मर होते हैं वो वह फार्मर होते हैं जो क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल में और उसे फिर मार्केट में सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए। ये जो क्रॉप होता है, इनमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और इसके लिए मॉडर्न मशीनरी का यूज़ किया जाता है, साथ साथ जो फर्टिलाइज़र होता है उसका भी यूज़ किया जाता है। क्रॉप लाइक जैसे कॉटन है, ग्राउंड नट्स है, इसको वो लोग फैक्ट्री में बेचते हैं जिससे अदर जो प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लाइक टेक्सटाइल एंड ऑयल्स। ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज़ ओनली नेचुरल लोकल सीड्स, मैन्योर, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र एंड ट्रेडिशनल क्रॉपिंग टेक्निक्स लाइक अ मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन दी फर्टिलिटी ऑफ दी सॉइल। जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं वो यूजली ओनली वो सिर्फ जो नेचुरली होता है, जैसे नेचुरल होता है, लोकल सीड्स होते हैं, मैन्योर होता है या कंपोस्ट फर्टिलाइज़र होता है या ट्रेडिशनल क्रॉपिंग टेक्निक्स होती है उसका यूज़ करते हैं। इसके साथ जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है या क्रॉप रोटेशन मेंटेन है जिससे फर्टिलाइजर जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसका ये सब यूज़ करते हैं, यानी नेचुरल तरीके से पूरी फार्मिंग करते हैं। दिस लोकल सीड्स आर हार्डली एंड डू नॉट फॉल प्रॉपरी टू इंसेक्ट और पेट अटैक इजली। जो लोकल सीड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनमें किसी भी इंसेक्ट का या पेट अटैक इजली नहीं होता है। दे ऑल्सो रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो, साथ में इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए।